नमस्कार, मैं हूँ गजाला प्रवीण और आप देख रहे हैं कांचा न्यूज। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। तय नियोजित कार्यक्रम के दौरान पारा शिक्षकों ने देवघर विधायक का किया घेराव, 4 घंटे तक अपने ही आवास पर कैद रहे विधायक। नावाडी में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने किया भंडाफोड़, 2 आर्म्स जिंदा कारतूस के साथ लाखों रुपए बरामद, 7 हिरासत में। समाज सेवी सुनील खबाड़े चुने गए राज्य प्राथमिक संघ के संरक्षक, संरक्षक की अध्यक्षता में की गई बैठक। और पहली बार आयोजित हुई सरस्वती महायज्ञ का पूर्णाहुति के साथ किया गया समापन, सुल्तानगंज में कलश विसर्जन आज। अब खबरें विस्तार से। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के राज कमेटी द्वारा घोषित कार्यक्रम के तहत देवघर विधानसभा के विधायक नारायण दास के आवास पर पारा शिक्षकों का घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मौके पर उपस्थित विधायक आंदोलित पारा शिक्षकों के बीच 4 घंटे तक घिरे रहे। वहां उपस्थित पारा शिक्षकों ने अपनी मांगों को विधायक के समक्ष रखा, जिस पर विधायक ने कहा कि पारा शिक्षकों की मांगे को पूरी करनी चाहिए। विधायक ने पारा शिक्षकों को आश्वस्त किया कि जल्द इस मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष रखते हुए मांगों पर पहल किया जाएगा। पारा शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर रामपुर के नावाडी में छापेमारी की गई, जिसमें अनैतिक देह व्यापार के सिलसिले में संचालक सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 4 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। पुलिस ने छापेमारी के क्रम में घर की तलाशी के दौरान 1 देसी कट्टा, 1 देसी ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 मैगजीन, 11 जिंदा गोली और 1,48,663 रुपए नकद बरामद किया है। साथ ही विभिन्न बैंकों के पासबुक, चेकबुक, 4 ATM कार्ड और 6 मोबाइल जब्त किया है। एसपी द्वारा गठित छापेमारी टीम में साइबर पुलिस उपाधीक्षक नेहा बाला, पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी विनोद कुमार, रिखिया थाना प्रभारी जगदेव पाहन तिर्की और ASI रामानु सिंह शामिल थे। रामपुर नावाडी थाना क्षेत्र से गुप्त रूप से सूचना मिली थी, थाना प्रभारी रिखिया भी मेरे पास में बैठे हैं, कि उमरिया देवी नाम की महिला के द्वारा अवैध देह व्यापार का व्यापार संचालित किया जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर वरीय पदाधिकारी के द्वारा टीम गठित की गई थी, जिसका नेतृत्व DSP साइबर कर रहे थे और उनकी मौजूदगी में हमने छापेमारी किया। छापेमारी के क्रम में लगभग 1.5 लाख रुपया, बैंक पासबुक, चेकबुक, ATM कार्ड्स, कंडोम, काफ़ी संख्या में कंडोम और इसके अलावा 1 देसी पिस्टल, 2 मैगजीन, 11 राउंड 7.65 का जिंदा गोली, 1 कट्टा बरामद किया गया है। यह व्यापार कुछ दिनों से वहां पर संचालित था और अगल बगल के लोगों में भी काफ़ी इसके कारण असंतोष था और इसमें बहुत अच्छे तरीके से ये किया गया है। FIR करने की कार्रवाई चल रही है, रिखिया थाने में FIR दर्ज किया जाएगा और जो भी लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो संचालिका हैं वहाँ की, वो गिरफ्तार की गई हैं। साथ ही बंगाल की कुछ लड़कियां हैं, वो गिरफ्तार की गई हैं और जो ग्राहक के रूप में लोग मौजूद थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। सभी को कुल कितने लोग गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी हुई है 3-4 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं। झारखंड राज्य प्राथमिक संघ की पहली बैठक देवघर में संपन्न हुई, जिसमें सर समिति में समाज सेवी सुनील खवाड़े को संघ में संरक्षक के तौर पर मनोनीत किया गया। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित दर्जनों की संख्या में शिक्षकों ने सुनील खवाड़े का संघ में योगदान देने पर माला पहनाकर उनका स्वागत किया। मौके पर मौजूद संघ के अध्यक्ष ने कहा कि संघ की सर्वसम्मति से इनके पास संरक्षक के लिए अनुमति लेने आए थे, जिसकी सहमति प्रदान की गई है, जो संघ के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज झारखंड राज्य में एक नया शिक्षक संघ का लॉन्च हुआ, झारखंड सरकार से निबंधन प्राप्त, जिसका नाम है झारखंड स्टेट प्राइमरी टीचर एसोसिएशन। और
बाबा की नगरी पावन भूमि देवघर में पहली बैठक की गई। पहली बैठक में सर्वसम्मति से उपस्थित जितने भी प्रदेश के अन्य जिलों से भी जो प्रतिनिधि आए थे, सबका एक मत हुआ कि हमारे देवघर के रहने वाले पुरोहित समाज से समाज सेवी हृदय सम्राट सुनील खवाड़े जी उर्फ भाई जी हमारे इस संगठन का मुख्य संरक्षक रहेंगे राज्य के। इसलिए हम लोग आज उनके पास राज्य के महासचिव, राज्य के अध्यक्ष, राज्य के संयोजक और उपस्थित सभी अन्य जिलों आए प्रतिनिधि शिक्षक इनके शरण में आए हैं, इनसे आशीर्वाद लेने आए हैं कि यह हम लोगों को आशीर्वाद दें कि हमारा राज्य का मुख्य संरक्षक बनना स्वीकार करेंगे, और इन्होंने सहमति प्रदान की। शिक्षक सम्मान समस्या निदान राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ झारखंड राज्य के शिक्षकों के कल्याण एवं सहयोग हेतु झारखंड स्टेट प्राइमरी टीचर एसोसिएशन का गठन किया गया है और जिसकी पहली बैठक आज बाबा नगरी में संपन्न हुई। हम सभी राज्य स्तर के सभी पदाधिकारियों एवं सभी जिले के समर्थन और सहयोग से अपने प्रख्यात समाजसेवी देवघर जिले के श्री सुनील खवाड़े जी का को हम लोगों ने राज्य के मुख्य संरक्षक चुना है और उनके अभिनंदन और उनकी सहमति पत्र हेतु आज उनसे मिलकर सहमति पत्र प्रदान किए और इसमें हमारे देवघर जिले के सभी सहयोगी के साथ साथ राज्य संयोजक श्री राजेश कुमार मिश्रा जी, महासचिव श्री मंगलेश्वर उराव जी, कोषाध्यक्ष सुभाष कुमार जी, संगठन सचिव जीवननाथ तिवारी जी के साथ साथ हमारे बड़े भाई देवघर के श्री कुंदन झा जी सहित गिरिडीह जिले देवघर जिले के सभी शिक्षक शिक्षिकाएँ इनके स्वागत हेतु आज हम लोग उपस्थित हुए। धन्यवाद। इसे हमारे मुख्य संरक्षक सुनील समाज सेवी सुनील खवाड़े जी और राज्य संयोजक राजेश मिश्रा जी और प्रदेश अध्यक्ष अशोक मिश्रा जी और प्रदेश उपाध्यक्ष श्री कुमार भगत जी और जितने भी देवघर जिला के अन्य साथी और नया झारखंड एसोसिएशन प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी पूरे राज्य में एक यूनिट टाइप का संगठन को हम तैयार किए, एक संयोजक के रूप में एक राजेश मिश्रा जी और मेरा नया जो सोच है नया ऊर्जा क्रांतिकारी जितने भी सारे शिक्षक लोग का भूमिका एक यूनिट टाइप। देवघर में 26 नवंबर को आधुनिक सुविधाओं से लैस ऑर्नट रिसोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है। यह रिसोर्ट मुख्य रूप से देवघर आने वाले पर्यटकों व स्थानीय लोगों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिया जा रहा है। साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन व्यंजन के स्वाद के साथ पर्यटक स्विमिंग का भी आनंद उठा सकेंगे। इसका उद्घाटन झारखंड के श्रम नियोजन मंत्री राज पलिवार के द्वारा किया जाएगा। इसकी जानकारी शिवाय हॉस्पिटल सह ऑनर्स रिसोर्ट के CMD डॉक्टर संजय कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। देवघर में दिनांक 26/11/18 को सोमवार को देवघर में पर्यटकों को ख्याल में रखते हुए साथ ही यहाँ के जो लोकल वासियों को ख्याल में रखते हुए एक विशेष और सुविधाओं से लैस ऑर्नेट रिजॉर्ट नाम का उद्घाटन करने जा रहे हैं। रिजॉर्ट में जो है रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट की सुविधा है, बाहर में बैठने की सुविधा है और विशेषकर पर्यटकों को लुभाने के लिए जो है स्विमिंग पूल है ना, 24 घंटे जो है हमारे यहाँ बिजली की व्यवस्था, वाईफाई, नेट इत्यादि, पार्किंग की विशेष सुविधा में ध्यान रखी गई है। देवघर का इम्पोर्टेंस राज्य स्तर में इंटरनेशनल लेवल पर उसका इम्पोर्टेंस देखते हुए डॉक्टर संजय सर ने एक ऑर्नेट रिसोर्ट का निर्माण किया है। उसका सारा सुविधा के मॉडर्न सारा एमिनिटी के फैसिलिटी के साथ इसका निर्माण किया गया है। बच्चों के लिए फंड, स्विमिंग पूल और ऑल कॉन्टिनेंटल नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन डिश के रेस्टोरेंट, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट और बहुत स्पेशियस जगह देवघर के लिए नंबर वन है और देवघर के शुरुआत फर्स्ट रिसोर्ट है जिस ऑल मॉडर्न फैसिलिटी के साथ उद्घाटन होने जा रहे हैं। देवघर में पहली बार किए जा रहे 5 दिवसीय सरस्वती महायज्ञ का रविवार को समापन किया गया। यज्ञ के अंतिम दिन यह स्थल पर श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ दिखी,
नैयर आयोजन समिति के अध्यक्ष सुनील खवाड़ी मौजूद यज्ञ की समाप्ति पुनरावृत्ति के बाद की गई। अध्यक्ष ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है जब सरस्वती महायज्ञ मुख्य और यह विश्व कल्याण के लिए की गई, जिसमें रोजाना भक्ति में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। यज्ञ के अंतिम दिन विधि छावर उपयोग से भक्ति में प्रस्तुति की गई। उन्होंने यज्ञ के सफल आयोजन के लिए समिति के साथ स्थानीय लोगों को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि सोमवार को सुल्तानगंज में यज्ञ का कलश विसर्जन के बाद इसका विधिवत समापन होगा। राजनाथ संस्कृत पुस्तकालय के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत में पहली बार सरस्वती महायज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें आयोजन समिति के सदस्य सहित पूरे शहरवासी को बहुत बहुत धन्यवाद आभार कि जिन्होंने कि बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और इस यज्ञ को सफल बनाया। समापन आज 5 बजे शाम को संध्या आरती के बाद में, अभी तो हवनादि चल रहा है, अभी ब्रेक है, उसके बाद में हवनादि का कार्यक्रम चलेगा, उसके बाद में शाम को जो है वो आरती के बाद में इसका समापन होगा। उसके बाद में जैसे कि रोज़ यहाँ पर होता था सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें कि देश के नामी ग्रामी भजन गायक सब, गायक गायिका सब आकर के अपना प्रोग्राम, कल मैथिली ठाकुर का था इसी तरह, तो आज जो है धनबाद के विक्की छाबड़ा ब्रदर्स का आज भजन का कार्यक्रम है और उसके बाद में ये इसकी पूर्णाहुति। कल सुबह हम लोग सभी मेंबर और सभी वैदिक सुल्तानगंज अर्ली मॉर्निंग में जा रहे हैं कलश विसर्जन के लिए। तो एक्चुअली में अगर देखिए तो ये कल इस यज्ञ का कलश विसर्जन के साथ में समापन होगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। टास गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी हीरा अनमोल रिश्तों के लिए www.zoryatas.in Zoryatas। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हर गोविंद राय डालमिया शिक्षा सभा मध्य विद्यालय देवघर में शिक्षक सह छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन विद्यालय परिवार एवं पूर्व छात्र की ओर से किया गया था। गौरतलब है कि शिक्षा सभा स्कूल के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसी के उपलक्ष्य में यह सम्मान समारोह आयोजित की गई। बहुत ही गौरव की बात है कि हम लोग स्कूल में पढ़े हैं और स्कूल से जितने लड़के पढ़ के निकले हैं सभी विभूतियों को हम सम्मान दे रहे हैं, बच्चों को पाई दे रहे हैं और जो स्टूडेंट जाके हैं अपना अपना सेशन करवा रहे हैं। एक बड़ा गरिबा माहौल सा हो गया है, अच्छा लगता है। कुछ इनके स्कूल के इतिहास के बारे में कुछ दो लाइन सर बताएंगे। इतिहास जो 100 वर्षों का जो इसका इतिहास रहा है उसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू। देवघर बाईपास रोड मुख्य सड़क के 4 नंबर फाड़ी स्थित चक मिसर बांध में संगीत में राम कथा का आयोजन किया गया है। यह राम कथा 9 दिनों तक चलेगी। राम कथा में कथावाचक के तौर पर विद्वान वेद व्यास ओम प्रकाश जी महाराज के श्रीमुख से पावन कथा का लोग आनंद ले रहे हैं। स्थानीय लोगों में भी यह को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। कथावाचक वेद व्यास ओम प्रकाश जी महाराज ने कहा कि देवघर आकर काफी अच्छा लग रहा है। आयोजकों को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि श्रोता 2 तरह के होते हैं, एक सामान्य श्रोता और एक विशिष्ट श्रोता। उन्होंने बताया कि अगर आप कथा सुनने जाएं तो एक विशिष्ट श्रोता बनकर जाएं, जिससे आपके अंदर की बुराइयां खत्म हो सकेगी।
और चक्र श्री मिश्र बांध में श्री श्री 108 संगीत में रामकथा का आयोजन किया गया है। आज दूसरा दिन है। भारतवर्ष के चुने हुए विद्वान पंडित वेद व्यास श्री ओम प्रकाश जी महाराज के श्रीमुख से यहाँ पर अमृत की वर्षा हो रही है। सौरेन पेट्रोल पंप के सामने देवघर आप जरूर यहाँ पर आएँ और अपने जीवन को कृतार्थ करें, क्योंकि राम से बड़ा कोई नहीं है। कलयुग में नाम अधारा हमारे महाराज जी कहते हैं श्री ओम प्रकाश जी महाराज, तो उनके कार्यक्रम में आप जरूर आएँ, कथा का श्रवण करें और अपने जीवन के में जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करें, क्योंकि प्रॉब्लम को राम ही ख़त्म कर सकते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बाबा बैद्यनाथ धाम की इस पावन नगरी में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए यहाँ के तमाम कार्यकर्ता मंडलियों का बहुत बहुत अभिनंदन। राम कथा अर्थात जीवन की दिव्य कथा है। इसमें श्रोता दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य और एक विशिष्ट। सामान्य श्रोता कथा को देखते तो हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन उनमें दोष देखते हैं। और विशिष्ट श्रोता जो होते हैं वो केवल अपने जीवन के दोष को देखते हैं। तो हम विशिष्ट श्रोता बनकर के यहाँ पर उपस्थित हों और इस पावन कथा को श्रवण करें। मानस की कथा संदेह और समाधान से ही पूर्ण होता है, क्योंकि मानस की कथा जो है वो हमारी जीवन की कथा है, और जीवन में संदेह होता है और संदेह का समाधान होता है। इसलिए रामायण की कथा भी जो है वो संदेह से आरंभ हुआ और समाधान से पूर्ण हुआ। उसी प्रकार मेरा भी जीवन संदेह से शुरू होता है और समाधान से पूर्ण होता है। आइए अपने आप को। स्थानीय पेंशनर भवन में पेंशनर समाज की बैठक जिला अध्यक्ष इंजीनियर बलराम सिंह की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में पेंशनर समाज के दर्जनों लोग सम्मिलित हुए। इस मौके पर आगामी 16 जनवरी को पेंशनर समाज की मनाई जाने वाली स्थापना दिवस पर चर्चा हुई। साथ ही उस दिन पेंशनर समाज की स्मारिका का विमोचन भी किया जाएगा। हम अपनी स्थापना दिवस के बारे में, जो प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को मनाया जाता है, उसके बारे में चर्चा की गई और सबका ये मन बना कि नहीं, हम उस अवसर पर स्मारिका का भी प्रकाशन करेंगे। तो ये दो मुख्य बातें, स्मारिका का प्रकाशन और भव्य समारोह के लिए समुचित व्यवस्था हेतु वो आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए समितियां तैयार की गई हैं। और इसके अलावा जो हम उनका जो हमेशा का एक है कार्यक्रम सदस्यता अभियान, उस पर चर्चा की गई। देवघर में क्रीड़ा भारती के द्वारा केकेएन स्टेडियम में 5 दिसंबर से 2 दिवसीय संताल प्रगना प्रमंडलीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस क्रीड़ा संगम में कबड्डी, बैडमिंटन, चेस, खो खो सहित कई खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में तकरीबन 500 से 600 खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिता के आयोजन का मुख्य उद्देश्य संताल परगना के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना है। इसकी जानकारी क्रीड़ा भारती के स्टेट के संयुक्त सेक्रेटरी संजीत कुमार व जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर कुमार गौरव ने केकेएन स्टेडियम में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। इस मौके पर अमित कुमार, मयंक राज सहित कई लोग उपस्थित थे। दिनांक 5 और 6 दिसंबर को पूरे संथाल परगना रीजन का खेल का आयोजन हम लोग करा रहे हैं, जिसमें 6 खेल यहाँ पे है क्रीड़ा भारती देवघर जिला की ओर से। उसमें कुछ इंटरनेशनल प्लेयर भी हमारे रहेंगे, प्लस और भी कुछ गेस्ट रहेंगे। 500 से 600 खिलाड़ी जाने का हम लोग को संभावना है और उनका अच्छे से ऑर्गेनाइज करने का। देवघर में पूरे प्रमंडलीय स्तर का संथाल परगना के 6 जिले से खिलाड़ी यहाँ भाग लेंगे, जिसमें उद्घाटन सत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर, मंगल सिंह चैंपिया जी, मधुमिता जी जो कि इस बार सिल्वर मेडल लिए है, लक्ष्मी रानी दास जी, लक्ष्मी रानी मांझी जी, ऐसे लोग उपस्थित रहेंगे। उद्घाटन माननीय प्रांत प्रचारक रविशंकर जी करेंगे। मैं समापन सत्र में खेल मंत्री अमर बावरी जी रहेंगे। एक अपने आप में एक अनोखा आयोजन है, क्योंकि इसमें सभी जिले के खिलाड़ी करीब 5-6 गेम के 11 इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। करीब अभी का जो आकलन है 650 खिलाड़ी यहाँ उपस्थित रहेंगे। अभी तक का जो लिस्ट आया, ये क्रीड़ा भारती का आयोजन अपने आप में एक अनोखा आयोजन होगा, क्योंकि एक साथ 6 तरह का खेल, 11 इवेंट आज तक देवघर के इतिहास में बहुत कम हुआ है। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य गांव स्तर पे खिलाड़ियों को के प्रतिभा को बाहर निकालना,
और उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक लेके जाना है। इसके लिए देवघर जिला ने जो अपनी साहस का परिचय दिया है, उन्होंने होस्ट करने का इस गेम के, वो पूरे प्रमंडलीय स्तर के गेम को आयोजित करने का साहस दिखाया है, और यहाँ के जनता ने, यहाँ के समाजसेवी ने जिस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए कांचा न्यूज के साथ। नमस्कार। तय नियोजित कार्यक्रम के दौरान पारा शिक्षकों ने देवघर विधायक का किया घेराव, 4 घंटे तक अपने ही आवास पर कैद रहे विधायक। नावाडी में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने किया भंडाफोड़, 2 आर्म्स जिंदा कारतूस के साथ लाखों रुपए बरामद, 7 हिरासत में। समाज सेवी सुनील खबाड़े चुने गए राज्य प्राथमिक संघ के संरक्षक, संरक्षक की अध्यक्षता में की गई बैठक। और पहली बार आयोजित हुई सरस्वती महायज्ञ का पूर्ण आहुति के साथ किया गया समापन, सुल्तानगंज में कलश विसर्जन आज।